तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज गाइस, जिसका नाम है जीरो ब्लॉक स्काई ब्लॉक। हाँ गाइस, इस सीरीज इसका मतलब है जीरो ब्लॉक स्काई ब्लॉक। और जीरो ब्लॉक स्काई ब्लॉक क्यों है इसका नाम, वो आप देख के समझ ही गए होंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है गाइस, सिर्फ एक ब्लॉक है और वो भी इनविजिबल ब्लॉक है। मतलब कि उस पर कुछ नहीं कर सकते हम, ये मत समझ लेना कि ये वन ब्लॉक है, हम इसे माइनिंग करेंगे और हमें और ब्लॉक मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है गाइस, आपको इसी ब्लॉक पर सरवाइव करना है और अपने आइलैंड को बड़ा करना है। और आपका जो मेन क्वेस्ट है वो है आपको एंडर ड्रैगन को मारना है। तो इसमें आपको कुछ सामान मिलता है गाइस, और वो सामान लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है गाइस, उसके लिए आपको यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा वॉइड में। तो जैसे ही आप वॉइड में जाकर नीचे गिरोगे गाइस, तो आप फिर से यहाँ पर स्पॉन होगे और आपको आपका थोड़ा बहुत सामान मिलेगा जो कि आपकी ही बॉडी का हिस्सा होगा। जैसे कि आपको आपके टीयर्स मिलेंगे, आपकी बोन मिलेगी, आपका रोटन फ्लैश यानी कि आपका मांस मिलेगा, और आपका ब्लड और आपका हेल्थ, ये पांच चीज़ें आपको मिलेगी गाइस जितनी बार भी आप नीचे गिरोगे। तो इन चीज़ों का जूस क्या है गाइस, अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप ब्लड को देखोगे तो ब्लड से हमें, अगर हमारे पास चार ब्लड हो तो हम एक ब्लॉक बना सकते हैं, यानी कि हम अपना आइलैंड बड़ा कर सकते हैं। और कोबलस्टोन बनाने के लिए कहाँ गया, हमें चार हेड चाहिए, यानी कि मेरे पास एक है, मतलब कि मुझे चार बार मरना पड़ेगा तो मेरे पास चार हेड हो जाएंगे, ठीक है गाइस। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सैंड के लिए आपको ये सब चाहिए गाइस, कोबलस्टोन और टीयर्स, और उसके अलावा ये जो मैंने आपको दिखाई दिया, और डर्ट के लिए आपको रोटन फ्लैश चाहिए, और वाटर बनाने के लिए आपको टीयर्स चाहिए, और लावा बनाने के लिए आपको नेदरैक चाहिए, और नेदरैक बनाने के लिए आपको कोबलस्टोन चाहिए। तो यही है गाइस, इसमें काफ़ी नई नई रेसिपी आई है और काफ़ी अच्छा स्काई ब्लॉक है गाइस। तो क्या करना है गाइस, आपके पास जितना भी सामान है आपको ये सारा इसी वाले ब्लॉक के ऊपर फेंकना है, मतलब कि ड्रॉप कर देना है और जल्दी से नीचे जंप कर देना है। तो मैं पहले तो क्राउच हो जाता हूँ, और अब मैं क्राउच से बाहर आ जाता हूँ, और अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी सारा सामान इस पर फेंक कर ब्लॉक पर फिर नीचे जंप कर दूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर ऐसा होता है तो। ओके, ब्लड मेरे पास ही रह गया गलती से गाइस। तो अगर आप पहली बार मरोगे गाइस तो आपका जो सामान है वो आपके पास ही आ जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो ठीक है गाइस, मुझसे गलती हो गई, आपको आपका सामान नहीं वापस मिलेगा। जरा मैं फिर से मरा हूँ ना यहाँ पर, तो इसलिए इस बार मेरा मरने पर जो सामान मिला है ये वो है। सारा सामान फेंकना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं मेन दो चीज़ें फेंक देता हूँ गाइस, जहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं, और इनमें से मुझे मेन चीज़ें क्या लग रही है गाइस, एक तो ब्लड, क्योंकि हम ब्लड का ब्लॉक बना सकते हैं और फिर हम इसे यहाँ पर रख सकते हैं। और दूसरी में हमारा जो ये है रोटन फ्लैश, ये है, और बोन भी हमें चाहिए, क्योंकि बोन से हम बोन मिल बनाकर सैपलिंग बना सकते हैं गाइस इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि तीन चीज़ें तो मैं फेंक ही सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्राउच करता हूँ, पीछे आ जाता हूँ, और अब ये तीन चीज़ें मैं जल्दी से फेंक दूंगा गाइस। और खुद और मैंने क्राउच कर रखा था, पहले मुझे क्राउच को बंद करना है, और अब ये तीनों चीज़ें फेंकनी हैं और जल्दी से नीचे जंप कर देना है। तो ठीक है, नीचे जंप मैंने कर दिया और मेरे पास चार जे वाले हो चुके, और मैं गलती से नीचे कूद गया गाइस। कोई बात नहीं गाइस, मेरे पास फिर से तीन आ चुके हैं, यानी कि मुझे एक बार फिर से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं फिर से यही तीनों चीज़ें फेंकूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्राउच बंद करना है, और अब ये तीनों चीज़ें फेंक देनी है, और चला गया गाइस गलती से। चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, पहले तो क्राउच कर कर पूरा पीछे आ जाता हूँ, और अब ये तीनों चीज़ें मैं फेंकूँगा, एक दो तीन, और अब नीचे। तो नीचे तो मैं आ चुका हूँ गाइस, और आई थिंक ओके। तो ये, और सबसे पहले मैं क्राउच कर लेता हूँ गाइस, और ब्लड का एक ब्लॉक बना लेता हूँ, और मेरे पास डर्ट भी आ जाएगी तो वो भी मैं बना लेता हूँ गाइस जल्दी से। और इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर एक ही साइड पर रखूँगा गाइस, ताकि मैं अपना जो सामान है वो ड्रॉप कर कर नीचे आसानी से जा पाऊँ। तो उसके अलावा मैं एक बोन मील बना लेता हूँ गाइस, वैसे मेरे पास तीन आ जाएंगे एक बोन से, और स्टिक बना लेता हूँ, और इनसे हमारा सैपलिंग भी बन जाएगा गाइस, यानी कि अब हमारे पास वो, ये मैं अभी नहीं उगाऊंगा गाइस, चलो उगा ही देते हैं। और अपना जो सामान है वो मैं इस वाले ब्लॉक पर फेंकूंगा गाइस, तो थोड़ा दूर से ही फेंकता हूँ, तो पहुँच जाए तो पहले मैं स्टिक फेंक कर देख लेता हूँ अगर वहाँ तक पहुँची तो। ओके, तो पहुँच चुकी है, तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे फेंक दे। ओके, ये भी और ये भी, तो सारा सामान मैंने यहाँ पर फेंक दिया है गाइस, और फिर से हम एक बार और नीचे चलते हैं।
और आकर एक बार अपना सारा सामान कलेक्ट जरूर कर लेना गैस, नहीं तो आपका ज़्यादा सारा सामान है वो डिस्पोन हो जाएगा गैस। तो मैं थोड़ा सा बार बार मर कर थोड़ा सा सामान इकट्ठा कर लेता हूँ और गैस। तो ठीक है गैस, मैं सोच रहा था कि मेरे पास बोन मिल पड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं बोन मिल मार कर ये वाला ट्री बड़ा कर लूँ, और एक में ही बड़ा हो गया गैस, क्या बात है। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ, और इसका एक का मैं क्राफ्टिंग टेबल और एक का मैं बना लेता हूँ चेस्ट, मतलब कि डो की बनेगी चेस्ट। तो इससे गैस क्या होगा कि हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा, मतलब कि हमें सामान फेंक कर नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा पैसा आ चुके हैं मेरे पास, अब बन जाएगा हमारा क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल को मैं इस तरफ रख देता हूँ यहाँ रहेगा क्या, ओके रखा गया। तो इससे मैं एक चेस्ट बना लेता हूँ जल्दी से, ये रही चेस्ट, और हमारे पास चेस्ट भी आ चुकी है, और चेस्ट को मैं इस तरफ रख देता हूँ, ओके। और अब मैं सारा सामान इसमें रख सकता हूँ गैस, और इससे हमें थोड़ी बहुत आसानी होगी। तो उसके अलावा मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है गैस, तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बना लेता हूँ। सबसे पहले मुझे कोबलस्टोन बनाने पड़ेंगे गैस, क्योंकि नेदररैक बनाने के लिए आपको 2 कोबलस्टोन और 2 ब्लड चाहिए होता है। तो अब हमारे पास नेदररैक भी आ जाएगा, और अब मैं लावा भी बना सकता हूँ गैस, और मेरे पास टीयर्स भी हैं तो मैं पानी बना सकता हूँ, यानी कि अब मैं अपना कोबलस्टोन जनरेटर बना सकता हूँ गैस। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़े बहुत ब्लॉक चाहिए होंगे जो कि सिंपली बन जाएंगे ऐसे, और फिलहाल मैं इससे सारी वुड निकाल लेता हूँ ताकि मुझे और भी सैपलिंग मिल जाए, और फिर आपको मिलता हूँ। तो ठीक है गैस, मैंने कोबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए एक एरिया बना लिया है, और आपको क्या बताऊँ कि मुझे इसको बनाने के लिए कितनी बार मरना पड़ा, क्योंकि आपको पता होगा कि 4 हेड से 1 कोबलस्टोन बनता है, और मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लगा, एक बार मरने पर हमें सिर्फ 1 कोबलस्टोन मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं 24 बार गैस मरा हूँ, और उसके अलावा इसके लिए मैं 3 मिल ही जाते हैं एक बार मरने पर। और पानी मैंने डाल दिया है, और इसको आप सिंपली डाल सकते हो भाई गैस, आपको बस इसे लेना है और सिंपली क्लिक कर देना है। तो मैं आपको लावा डाल कर दिखा देता हूँ, तो लावा को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ओके। तो हमारा जो कोबलस्टोन जनरेटर है वो बन काम करना शुरू हो जाएगा अब। लेकिन अब हमें एक पिकेक्स भी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए बोन मिल, ताकि हम अपना ट्री बड़ा कर पाएँ, ओके। तो मैं इस पर बोन मिल मार देता हूँ जल्दी से, ओके। मुझे और चाहिए होगा, वैसे मेरे पास बोन काफ़ी सारी पड़ी हुई है, तो मुझे बोन मिल की कोई चिंता नहीं है। तो मैं जल्दी से बोन बना लेता हूँ, बाकी मैं इसमें रख देता हूँ, क्या पता आगे जाकर इनका काम हो। तो इसे रख देता हूँ, और अब जल्दी से मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। तो ठीक है, काफ़ी सारा बोन मिल मेरे पास बच भी गया है गैस, और जल्दी, हाँ गैस ये मत समझना मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊँगा, क्योंकि ये वही इनविजिबल ब्लॉक है। और आपको ये वाली सीरीज कैसी लगी गैस बताना जरूर मुझे कमेंट करके, और अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊँ कि आप मैं वीडियो बनाऊँ कि आपको कैसे इसे डाउनलोड करना, कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपनी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में प्ले कर सकते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा पूरी मैं। तो वुड लोग तो हमारे पास आ चुके हैं, और हाँ गाइस, जितनी मेरे पास पहले वुड थी उससे मैंने अपना आइलैंड एक्सपेंड कर दिया था, ताकि जो नीचे ना गिरे। चलो ये काम हमारा हो चुका है, अब मुझे बनानी थी एक पिकेक्स, तो मैंने वुड इस लगता है चेस्ट में रखती, तो इसे मैं निकाल लेता हूँ। वैसे हम बोन से भी स्टिक बना सकते हैं गैस, लेकिन अब प्लैंक्स आ गए हैं तो बोन से क्यों बनाए नहीं, क्यों गैस। तो प्लैंक्स मैंने बना लिए हैं, मुझे बनाना है स्टिक्स, और इससे मुझे बना लेनी है पिकेक्स। तो बाकी टूल तो मैं स्टोन के ही बनाऊंगा गैस। फिलहाल ये सारा सामान मैं इसमें रख देता हूँ, और फिलहाल यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए मैंने एक रोप नहीं बनाया। चलो यहाँ से चढ़ जाते हैं जंप मार कर, और इसके नीचे भी मैंने कोई ब्लॉक नहीं लगाया गैस, तो ये खतरे के खाली नहीं, और मैंने इसकी नीड नहीं था, ओके। ये भी मुझे नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं गैस, आई होप मुझे यहाँ से एक कोबलस्टोन मिल जाए। तो इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अब, और अब हम रहेंगे इस आराम से। तो मैं थोड़ी बहुत कोबलस्टोन माइन कर लेता हूँ, और फिर आपको मिलता हूँ गाइस। तो ठीक है गाइस, मैंने अपने 2 स्टोन के टूल बना लिए हैं, और मैंने एक फर्नेस भी बना लिया है, और फर्नेस मैंने आप क्यों बनाया है वही मैं आपको बताता हूँ गाइस। फर्नेस बनाया तो उसके लिए मुझे वुड भी चाहिए होगी, और ये हेड भी चाहिए होगी। तो अगर आप वुड को इसमें डालते हैं और इसको इसमें डालते हैं, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मिलेगी जो आपके सर्वाइवल में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, और टूल्स बनाने में भी। तो अभी आपको मिलेगा इससे गाइस आयरन। तो हाँ गाइस, एक हेड से आपको एक आयरन मिल जाएगा, मतलब आपको एक आयरन मिल जाएगा। तो ऐसे आप अनलिमिटेड आयरन भी बना सकते हैं गाइस इसमें। तो ये देखिए आ चुका है मेरे पास,
तो इसका मतलब हमें इसमें आयरन की भी कमी नहीं होने वाली। और का तो अभी मुझे नहीं पता गाइस कि वो कैसे बनेंगे, आई थिंक वो भी बनेंगे ही किसी तरह से। और बाकी इसमें आप सीट्स भी बना सकते हैं, जो आप PSP हैं गाइस इसमें, बाकी मोड पैक्स के बजाय इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आपने शुरू में ही देख लिया कि मरकर हमें सर्वाइव कैसे करना है गाइस, बार बार मरकर, ये देखो कैसा मोड पैक है ये। तो अगर चाहते हो बनाऊँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी मोड पैक में। और हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हमारा सब्सक्राइब करा है अभी। तो ठीक है गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।